क्लास आज हम स्टार्ट करेंगे जी रेंज के क्वेश्चंस चैप्टर डिस्पर्शन क्लास इलेवेंटिक्स टी आर जैन लर्निंग बाय डूइंग आज से हम फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे लर्निंग बाय डूइंग का इससे पहले बच्चे हमने जो इससे पहले प्ले अपलोड करी है वो ट्वेंटी सेकेंड तक कम्प्लीट हमने प्ले में अपलोड कर दिए जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है असेंशियल देखिए ये असेंशियल प्रैक्टिकल क्वेश्चन है कंप्लीट क्वेश्चंस बच्चे हमने आपकी जो प्ले लिस्ट है उसमें सीक्वेंस वाइज अपलोड कर दिए हैं चैप्टर देख लीजिए आपका मईर्स ऑफ डिस्पर्शन वेरी इजी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर ठीक है जी वेरी इजी वेरी इंटरेस्टिंग भी है तो चलो हम अब स्टार्ट करते हैं जी लर्निंग बाय डूइंग देखिए बच्चे ये जो स्टैटिस्टिक्स की बुक है आपकी इसमें जो चैप्टर्स हैं चैप्टर्स में टॉपिक वाइज बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया थारोली सब कुछ प्रैक्टिकल एक्स आस्पेक्ट भी कम्प्लीट कर दिया ये बुक एज़ वेल एज थ्रेटिकल आस्पेक्ट भी इस बुक में देर आर सो मैनी फार्मूलाज ठीक है बस आपने फार्मूलाज़ को ध्यान से एनालिस करना है लर्न करना है याद करना है रिलेट करके को रिलेट करके रेलिवेंसी क्रिएट करके फिर लर्न करना है फार्मूलाज़ को अदरवाइज फार्मूलाज सभी याद नहीं हो पाएंगे और जी सेकेंड थिंग है आपको इसमें जो सीरीज होती है मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट टॉपिक बच्चे सीरीज़ इंडिविजुअल डिस्क्रीट एंड लास्ट वन एंड थर्ड वन इज़ कॉन्टीन्यूस सीरीज़ देखिए इंडिविजुअल सीरीज़ क्या होती है जब डेटा गिवन डेटा हमारे पास जिसके ऊपर हमने प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंट करना रिसर्च करनी होती है वो लेस क्वांटिटी में होता है डेटा तो उसको हम अनग्रुप्ड डाटा भी बोलते हैं अनग्रुप्ड बच्चे बेसिकली इसीलिए बोला जाता है क्योंकि वेरी स्मॉल क्वांटिटी में डाटा होता है हमने उसके ऊपर एनालिसिस करते हैं हम ठीक है जी डिस्क्रीट को सॉरी इंडिविजुअल सीरीज को अनग्रुप्ड डाटा भी बोला जाता है सेकेंड जो डिस्क्रीट है और कॉन्टिन्यूज है उनको ग्रुप्ड डाटा बोला जाता है याद रखना चलिए देखिए वेरी इजी वेरी सिंपल सा क्वेश्चन है कोशिश करेंगे बच्चे जितने भी आपके क्वेश्चन हैं देखिए रेंज का टॉपिक स्टार्ट करा तो रेंज के क्वेश्चन आ गए ठीक है जी पहले कम्प्लीटली रेंज एंड कॉफिशेंट ऑफ रेंज के क्वेश्चन चलेंगे उसके बाद क्वार्टल डेफिएशन के ठीक है हम ट्राई करेंगे बच्चे आपके लिए कि कम्प्लीटली हम अपलोड कर सके जितने भी होंगे इस चैप्टर के क्योंकि प्रैक्टिकल तो कर दिए ऑलरेडी ट्वेंटी टू अब ये लर्निंग बाय डूइंग क्योंकि यहाँ कुछ चांसेस ज़्यादा होते हैं एग्जाम में आने के ठीक है जी एम सी क्यूज़ में भी आ सकते हैं देखिए वेरी नॉमिनल से स्मॉल स्मॉल से क्वेश्चन है तो लॉन्ग क्वेश्चन में तो आने का इनका आइडिया नहीं बनता स्मॉल में आ सकते एम सी क्यूज़ में आ सकते हैं वेरी शॉर्ट आंसर्स में भी आ सकते हैं ठीक है जी रेंज क्या देखते वेरी सिंपल से बच्चे ये तो छोटा सा है ठीक है क्योंकि आप प्रैक्टिकल कर चुके हैं तो उनके उसके बावजूद ये तो आपके लिए कुछ भी नहीं रहते ये भी बेसिकली बच्चे किसी स्टूडेंट की रिक्वेस्ट आई थी कि मैम काइंडली ये भी अपलोड कर दीजिए तो इसलिए काफ़ी टाइम लग गया बच्चे इसको मतलब काफ़ी टाइम बाद लेकर आए आपके लिए वीडियो चलो एनी हाउ बच्चे आपने बस खूब प्रैक्टिस करनी है बस रफ कॉपी के ऊपर खूब प्रैक्टिस करनी है देखिए क्वेश्चन फाइव स्टूडेंट्स ऑपटेन फॉलिंग मार्क्स इन स्टेटस्टिक्स ठीक है जी फाइव स्टूडेंट्स के मार्क्स गिवन है इंडिविजुअल सीरीज है रेंज एंड कॉफिशेंट ऑफ रेंज है बेसिकली तो रें रेंज के क्वेश्चंस में सीरीज का कोई भी फर्क नहीं पड़ता ये याद रखना थ्योरी में ठीक है काम आएगा आपके बच्चे बस देखिए फाइव स्टूडेंट्स ऑप्टेन फॉलिंग मार्क्स इन ठीक है जी फाइंड आउट रेंज एंड कॉफिशेंट ऑफ रेंज बस इनके फॉर्मूलाज रटने आपने कुछ नहीं करना हाइएस्ट वैल्यू लोएस्ट भी बोलते हैं बिगेस्ट और स्मॉलेस्ट भी बोलते हैं बिग एस ठीक है मतलब के आसपास का कुछ लेना है मतलब कि अगर कुछ भी लेना है ना ये आपने अल्फ़ाबेट लेना है हाईएस्ट या लोएस्ट जैसे सिनोनम्स होते हैं उस टाइप में लेने हैं सिनोनम ने बेसिकली एंटोनम्स लेने हैं ऑपोजिट्स लेने हैं अगर वो हाईएस्ट कहते हैं तो लोएस्ट या फिर स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट या फिर हाई लार्जेस्ट लार्जेस्ट के साथ या बच्चे ऐसे लेना सच लार्जेस्ट या फिर स्मॉलेस्ट ये लेने हैं दोनों ऐसे इनके कंपैरिजन में या बस आप एच एल ले लीजिए हाइएस्ट वैल्यू क्या है थर्टी फाइव लोएस्ट फिफ्टीन रेंज क्या आ जाएगी जी अपना रेंज एच माइनस एल रेंज कैपिटल आर से डिनोट कर सकते हो आप और कॉफिशेंट ऑफ रेंज को सी आर से डिनोट कर सकते हो कॉफिशेंट ऑफ रेंज को याद रखना सी आर से ठीक है जी एच माइनस एल रेंज आ गया जी कोफिशेंट ऑफ रेंज क्या है एच माइनस एल अपॉन में एच प्लस एल उसे एक एच प्लस या से कैसे याद रखोगे बच्चे रेंज को तो एज इट इज लगा देना और डिनोमिनेटर में प्लस का सिंबल लगा के लगा देना सी आर कितना गया जी ट्वेंटी अपॉन फिफ्टी जब इसको हम uh, फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करेंगे ना डिवाइडेशन करेंगे देन वी विल गेट द आंसर जीरो पॉइंट फोर दिस इज द कोफिशेंट ऑफ रेंज यानी कि आंसर्स क्या है रेंज है जी ट्वेंटी और कोफिशेंट ऑफ रेंज है हमारा जीरो पॉइंट फोर दिस इज़ द सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लर्निंग बाय doing. Thank you students.